हेलो एवरीवन, और ये जो है अपने पार्ट टू है अपने हिप बोन के ऊपर, जिसके अंदर अपन आज बात करने वाले हैं अपने पूरे इसियम पार्ट पे। तो अपने हिप बोन का पोस्टीरियो इन्फीरियर पार्ट को अपन बोलते हैं इसियम। तो अपन ने इसियम को टोटल दो पार्ट में डिवाइड करा है। एक इसका होता है बॉडी वाला पार्ट, देन एक इसका होता है रैमस वाला पार्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसियम की पूरी बॉडी। तो इसियम के बॉडी पे टोटल अपने होते हैं दो एंड्स, एक होता है अपर एंड, दूसरा इसका होता है लोअर एंड। तो मैं आपको बताऊं, ये वाला जो है ना इसका, ये है इसका अपर एंड और ये है इसका लोअर एंड। और इसके लोअर एंड में अपना प्रेजेंट होता है इशियल ट्यूब्रोसिटी। आपको इसके लोअर एंड में पूरा ये दिखाई दे रहा होगा, इसे अपन बोलते हैं इशियल ट्यूब्रोसिटी। और इशियल ट्यूब्रोसिटी के जो अटैचमेंट जो है वो आपको एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है। और इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है अपना हिप बोन का, वो अपना इसकी इशियल ट्यूब्रोसिटी ही होता है। टोटल यहाँ पे आपको चार मसल का ओरिजिन देखने को मिलता है। सबसे पहले इसके अपर पार्ट में अपना प्रेजेंट होता है सेमी मेम्ब्रोनस मसल का अटैचमेंट। मैंने आपको क्या यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखा है, तो आपको क्लियरली दिख पाएगा। ये अपना होता है सेमी मेम्ब्रोनस का अटैचमेंट। देन उसके नीचे ये वाला जो पार्ट जो है, यहाँ पे अपना सेमी टेंडोनस और अपना बाइसेप फीमोरस की लॉन्ग हेड, उसका ओरिजिन होता है। देन उसके बाद अब यहाँ पे एक अटैचमेंट अपना रहता है अडक्टर मैग्नस मसल का। तो टोटल यहाँ पे आपको चार मसल का अटैचमेंट देखने को मिलेगा। देन फिर अपन बात करते हैं इसकी बॉर्डर्स की। तो टोटल यहाँ पे आपको तीन बॉर्डर दिखाई देने को मिलेगी। एक इसका ये होता है एक इंटीरियर बॉर्डर, देन फिर अपना एक इसकी पूरी होती है ये पोस्टीरियर बॉर्डर, देन एक इसका प्रेजेंट होता है एक लेटरल बॉर्डर। तो इसकी जो इंटीरियर बॉर्डर जो है, वहां पे अपना ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन जो होती है वो अपने अटैच रहती है इसके इंटीरियर बॉर्डर पे। देन इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर जो है, वहां पे आपको एक स्पाइन देखने को मिल रहा होगा, उसे अपन बोलते हैं इशियल स्पाइन। और ये जो इशियल स्पाइन जो है, ये मैंने आपको पार्ट वन वीडियो में ही अच्छे से डिटेल में बता दिया था कि इशियल स्पाइन के कारण अपने टोटल यहाँ पे दो नॉचेस देखने को आपको मिलेंगे। एक अपर साइड में ग्रेटर सियाटिक नॉच और एक लोअर साइड में जिसे अपन बोलते हैं लेसर सियाटिक नॉच। और ये इसके सारे कंटेन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रेटर और लेसर सियाटिक नॉच के। तो वो चीज मैं आपको पार्ट वन वीडियो में पहले ही बता चुका हूं। मैं आपको एक बार और साइड में हाईलाइट कर देता हूं सारे से कंटेन। वो वीडियो की लिंक आपको पर आई बटन में मिल जाएगी अगर आपने वो नहीं देखी तो। फिर अपन बात करते हैं इसके जो लेटरल बॉर्डर के बारे में। तो इसके लेटरल बॉर्डर में अपना जो ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल, जो अपना ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल जो होती है, उस मसल का यहाँ पर टेंडन का अटैचमेंट होता है। अब अपन देखते हैं इसकी सरफेस के बारे में। तो टोटल इसकी अपनी तीन सरफेस होती है अपने बॉडी की, एक फीमोरल, डॉर्सल और एक इसकी पेल्विक सरफेस। तो सबसे पहले इसके जो पेल्विक वाला साइड जो है अपने इसियम की बॉडी का, उसको अपन बोलते हैं इसका पेल्विक सरफेस। और इसके पेल्विक सरफेस से अपने ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल का ओरिजिन होता है। मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखा है, कुछ यहाँ से अपना ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल का ओरिजिन होता है। देन एक इसका रहता है डॉर्सल वाला पार्ट। अभी जो डॉर्सल वाला पार्ट जो है, उसमें अपने इशियल ट्यूब्रोसिटी भी आती है। और यहाँ पे एक्चुअली में छोटा सा ग्रूव प्रेजेंट होता है डॉर्सल वाले सरफेस में। देन इसके अपन आ जाते हैं फीमोरल सरफेस पे। तो इसकी जो फीमोरल सरफेस जो है, वहां से अपनी दो मसल का अटैचमेंट होता है, एक अपनी ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल का, देन अपनी क्वाड्रेटस फीमोरस मसल का। फिर अपन देखते हैं इसके रामस वाले पार्ट के बारे में। तो इसका जो रामस वाला पार्ट जो होता है, टोटल इसके अपने दो बॉर्डर होते हैं, अपर में अपर बॉर्डर, लोअर साइड में लोअर बॉर्डर। फिर अपन बात करें इसके सरफेसेस के बारे में। तो इसकी एक आउटर में एक इसकी होती है आउटर सरफेस, देन इनर में एक इसकी प्रेजेंट रहती है इनर सरफेस। तो इसके जो आउटर सरफेस जो होती है, इसके आउटर सरफेस पे टोटल अपनी चार मसल का जो है अपना ओरिजिन होता है। सबसे पहले अपना एक रहता है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल, देन उसके जस्ट नीचे अपना रहता है अडक्टर ब्रेविस मसल का ओरिजन, उसके अलावा फिर अपना रहता है ग्रेशियलिस मसल का ओरिजन। और ये जो अडक्टर मैग्नस मसल जो है, उसका ओरिजन एक्चुअली में अपने इशियल ट्यूब्रोसिटी से भी होता है, उसके अलावा इसके आउटर सरफेस से भी होता है। साइड में आपको पिक भी दिखाई दे रही होगी। आपको पूरा हिप बोन का इशियम वाला पार्ट अच्छे से बता दिया। देन अब अपन अपने पार्ट थ्री में देखने वाले हैं इसके प्यूरे प्यूबिस वाले पार्ट को अच्छे से डिटेल में। और इस वीडियो की लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी।